हेलो चिल्ड्रेन ओके चिल्ड्रेन कैसे हैं आप लोग आप लोगों के लिए बड़ी कड़ी मेहनत की जा रही है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें ले लें और इस लेटर के सीरीज़ में हमने आप लोगों को इसके पहले एक लेटर दिया था इसके पहले वाली वीडियो में और मैंने डीएम साहब को लेटर लिखा लिखा था जिसमें कि रोड खराब थी उसी का फॉर्मेट यहाँ पर फॉर्मेट अलग था वो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि जो राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पर सेंडर्स एड्रेस होता है उसके नीचे डेट होती है फिर सबसे नीचे बॉडी ऑफ द लेटर के नीचे उसी लाइन में आपका क्लोजिंग होगी और सिग्नेचर होगा ये तो एक फॉर्मेट हुआ दूसरे फॉर्मेट में हम बता दें आपको दूसरा फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है और आपको और इजी भी है आपको पता नहीं करना है कि ये जानने की जरूरत नहीं होगी कि कहाँ लिखें कैसे लिखें अरे इसमें तो सब कुछ एक ही लाइन लेंथ में हाँ ये जानना पड़ेगा कि, कि एक इसका कैसे लिखा जाए कहाँ सबसे पहले कौन सा आएगा तो सबसे पहले आपको वही लिखना है आपका अपना पता लिखना है यानी सेंडर्स एड्रेस लिखना है उसके बाद डेट लिखनी है देन आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना पड़ेगा रेसिपियंट एड्रेस लिखना पड़ेगा आप जिसको लेटर लिख रहे हैं ठीक है ना और सब्जेक्ट मैंने बताया था कि इसको बीच में लिखना पड़ेगा जो कि बीच में लिखा हुआ है फिर इसके बाद अगला पार्ट है सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग अगला पार्ट क्या है सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग फिर पार्ट्स ऑफ ये बॉडी ऑफ द लेटर है यहाँ पर बॉडी ऑफ लेटर आपको बहुत इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि इसमें वो सारी बातें की जाती हैं जो कि आप बताना चाहते हो किसी को अपने बात को किसी तक पहुंचाना चाहते हो वो लिखी जाती हैं और बिल्कुल उसी लाइन में नीचे आप जब क्लोजिंग लिखेंगे योर्स फेथफुली अच्छा मैंने एक चीज़ बताया था फेथफुली और सिंसियरली और योर्स ये ध्यान रखिएगा इसमें वाई ओ यू आर एस में कोई कॉमा नहीं लगेगा ध्यान रखिएगा एपास नहीं लगेगी ध्यान रखिएगा बहुत से बच्चे होते हैं गलती कर जाते हैं वाई ओ यू आर और यहाँ एपस्ट्रॉफी यस कर देते हैं ये बिल्कुल ही गलत है ध्यान रखिएगा ये क्या है ये गलत है ये क्या है ये गलत है सही क्या होगा वाई ओ यू आर यस इसमें बिना किसी एपस्ट्रॉफी के आपको लिखना है इस तरह से और योर्स होगा ठीक है ना मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गलतियाँ एक कॉमनली हो ही जाती हैं ये गलतियां हो जाती हैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूं और आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद योर्स फेथफुली और योर सिंसियरली दो में से कोई एक लिखना है तो आपको फेथफुली वहां लिखना है जिस ऑफिसर को आप जानते ना हो जिस अथॉरिटी को आप जानते ना हो वहां पर क्या लिखेंगे योर्स फेथफुली और जिस अथॉरिटी को आप जानते हो वहां पर लिखेंगे योर्सरली उसके बाद क्या आएगा आपका सिग्नेचर uh, आएगा सिग्नेचर करने के बाद जो ब्रैकेट दिया गया यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे इस जगह आपका पूरा नाम रहेगा तो अब जरा देखिए इसमें आ, ये जो है पूरा का पूरा जितने पार्ट्स हैं एक ही लाइन में आ गए हैं सब के सब एक ही लाइन में आ गए हैं सिवाय सब्जेक्ट के सब्जेक्ट क्या है ये बीच में आया सब्जेक्ट क्या हुआ है ये बीच में आ गया सब्जेक्ट जो है हमारे पेज के बिल्कुल मिड पार्ट में होगा सेंटर में होगा ध्यान रखिएगा ठीक है ना अब जल्दी जल्दी से हम इसको कंक्लूड करते हैं पहला पार्ट हमारा क्या था पहला पार्ट था सेंडर्स एड्रेस पहला पार्ट क्या था सेंडर्स एड्रेस सेंडर्स एड्रेस दूसरा क्या था डेट और मैंने बता दिया कि डेट कैसे लिखी जाती है आपके प्रीवियस लेटर में मैंने बताया था कैसे डेट लिखी जाती है तीसरा क्या है आपका रिसीवर्स एड्रेस यहाँ पर एक्स वाई जेड इसलिए लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर उस जिले का नाम उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना पड़ेगा जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के डीएम को आप लेटर लिख रहे हैं ठीक है ना तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के नीचे आपको चाहे आप सुल्तानपुर लिखिए या कानपुर लिखिए या दिल्ली लिखिए जहाँ भी जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी उसके उसका नाम लिखा जाएगा देन इसके बाद आता है चौथा पार्ट है सब्जेक्ट का चौथा पार्ट सब्जेक्ट का है पांचवा पार्ट आपका ये आता है सेल्यूटेशन का इसको सेल्यूटेशन और ग्रीटिंग कोई एक बोल सकते हैं दोनों एक ही चीज है सेल्यूटेशन और ग्रीटिंग और इसके बाद है आपका ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन आपका है पांच छठा पोर्शन है क्या है ये छठा पोर्शन है और इसको आप कहेंगे बॉडी बॉडी ऑफ द लेटर क्या कहेंगे बॉडी ऑफ द लेटर और ये वाला पोर्शन आपका सातवां हो जाएगा ये सातवां होगा क्या होगा ये सातवां होगा इसको कहेंगे क्लोजिंग ऑफ द लेटर क्या बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ द लेटर और ये लास्ट वाला जो आपका जो आपका सिग्नेचर है इसको आठवां बोलेंगे इसे कहते हैं सिग्नेचर क्या बोलते हैं सिग्नेचर मुझे लगता है कि जितनी बार मैंने दो तीन वीडियो बना डाले हैं इस दो तीन वीडियो बनाने के तहत आप लोग डेफिनेटली लेटर लिखना सीख गए होंगे तो एक फॉर्मेट ये है एक फॉर्मेट मैंने इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में बनाया है तो दोनों फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं और दोनों करेक्ट होंगे लेकिन डेट कैसे लिखी जाती है मैंने बताया था वो भी और कैसे कैसे योर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम योर्स में होती है तो योर्स में आप जो ध्यान रखिएगा कि योर वाई ओ यू आर एस होता है इसमें एक्कास्ट्रॉफी नहीं लगता है तो इतनी ही वीडियो आज के लिए इतने ही समय के लिए अगली वीडियो हम आपको फिर से इसी सीरीज में आपको ईमेल भी लिखना बताएंगे इसी सीरीज़ में इनफॉर्मल लेटर भी लिखना बताएंगे लेकिन फॉर्मल लेटर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए थैंक यू वेरी मच हैव नाइस डे लाइक ज़रूर करना भूलिएगा नहीं डांटना पड़ रहा है मुझे आप लोगों को